चर्चा ये है कि आप झारखंड मुक्ति मोर्चा में फिर से वापस आने वाले हैं तो एक भावना है जेएमएम एक भावना है झारखंड की भावना है। क्या लगता है कि बीजेपी संथाल प्रणाम में पकड़ नहीं बना पा रही है क्या कारण है सबसे बड़ा कारण वही है क्योंकि जनता के बीच में कोई कार्यकर्ता नहीं जा पा रहा है जनता के दिल के भावनाओं को छू नहीं पा रहा है हेमलाल जी उस इलाके से हैं और अभी जिस तरह से ई और केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई हो रही है पंकज मिश्रा उसी इलाके से अभी गिरफ्तार हुए हैं ईडी बोल रही है कि एक हजार करोड़ से अधिक का खनन हुआ क्या आपको लगता है कि सचमुच में इतना अवैध खनन वहां पर हो रहा था ये तो हमको हवा हवा ही लग रहा है अच्छा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन काम कैसा कर रहे हैं हमको लगता है कि जिस ढंग से जनता के बीच जा रहे हैं जनता के बीच जनता के चौखट तक जनता का योजना सरकार का योजना को पहुंचाने का काम कर रहा है ये तो अच्छा काम इस वक्त हमारे साथ हेमलाल मुर्मू हैं हेमलाल मुर्मू संथाल प्रणा की राजनीति के बड़े चेहरे हैं बरेट से कई बार विधायक बन चुके हैं हेमलाल जी आज झारखंड विधानसभा से उन्नीस के आधार पर स्थानीय नीति का विधेयक जो है पास हो गया आप इसे कैसे देख? देखिए ये एक बहुत ही ऐतिहासिक और संवेदनशील बिल था और इस बिल के पारित होने से पूरे राज्य के दबे कुचले आदिवासी हरिजन पिछड़ा दलित इन सभी लोगों को इस राज्य के नियोजन में सरकारी और गैर सरकारी उपक्रम में नियोजन में चतुर्थ और वर्गीय नौकरियों में प्राथमिकता मिलेगा चूँकि इनसे एक पहचान बनेगा इसलिए ये बिल हमारे समझ से ये बिल एक ऐतिहासिक बिल है और इस बिल के आने से इस राज्य के जनता को लाभ मिलेगा अच्छा पिछले दिनों अभी जो पाकुड़ में मुख्यमंत्री का कार्यक्रम था सरकार आपके द्वार आप उस कार्यक्रम में गए थे मुख्यमंत्री से शायद आपकी मुलाकात हुई थी चर्चा ये है कि आप झारखंड मुक्ति मोर्चा में फिर से वापस आने वाले उसमें हम गए थे चूंकि सरकारी कार्यक्रम था डी को बुलाया था आमंत्रण पत्र भी दिया था टेलीफोन भी किया था हम आए थे लेकिन मुख्यमंत्री जी से हमारी मुलाकात नहीं हुई थी क्योंकि हम निकल चुके उसके बाद मुख्यमंत्री जी हमको बहुत खुजवाए अच्छा, हम निकल चुके थे मैसेज आप तक भेज हाँ बहुत लोग खोज रहे थे और खोजने वाला सबसे पहला व्यक्ति तो बेचारा हमारे सांसदे जी खोज रहे थे हमको कहा गए तो क्या आप में फिर से वापस आ रहे हैं आ, अभी तक तो कोई बातचीत फाइनल नहीं हुआ है बातचीत चल रही है बातचीत अभी चल भी नहीं रही है ए, ये आप लोगों के द्वारा ये सबसे ज्यादा मान प्रचार प्रसार हो रहा है हाँ। अच्छा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन काम कैसा कर रहे हैं हमको लगता है कि जिस ढंग से जनता के बीच जा रहे हैं जनता के बीच जनता के चौखट तक जनता का योजना सरकार का योजना को पहुंचाने का काम कर रहा है ये तो अच्छा काम है अच्छा। बीजेपी से क्यों आपकी आपका जो मोह है वो धीरे धीरे भंग हो रहा है बीजेपी से हमारा मोह भंग होने की बात नहीं है देखिए हमारा सबसे बड़ी बात है कि झारखंड के का जो संस्कृति है झारखंड का रहन सहन झारखंड का कानून झारखंड का भाषा यहाँ के भाषा और यहाँ के लोगों का संस्कृति के अनुरूप कोई भी राजनीतिक दल जब तक नहीं काम करेगा उसको एजेंडा बना करके तो जनता तक नहीं पहुंच पाएगी बना के काम कर रही है जनता चूंकि तो एक भावना है जे एक भावना है। झारखंड की भावना है। यही है तो चूंकि लंबे समय से विधायक भी रहे हैं और वहां संथाल में बहुत काम भी किए क्या क्या लगता है कि बीजेपी संथाल प्रणा में पकड़ नहीं बना पा रही है क्या कारण है सबसे बड़ा कारण वही है क्योंकि जनता के बीच में कोई कार्यकर्ता नहीं जा पा रहा है जनता के दिल के भावनाओं को छू नहीं पा रहा है वही काम हेमंत सोरेन कर रहे हैं वो कर रहे हैं उनके कार्यकर्ता वही काम कर रहे हैं दिन रात वही काम कर रहे हैं और उनके कार्यकर्ता लोगों के बीच है अच्छा हेमंत सोरेन को जो अब दूसरी बार ईडी नोटिस भेजी है ये जो लगातार कार्रवाई हो रही है इसको आप कैसे देखते है? इस पर हमको कोई कमेंट नहीं करना है कानूनी बात है कानून अपने ढंग से वो काम करेगी उसमें हमको कुछ नहीं कर रहा है। कोई मीटिंग फिक्स होने वाली है आपकी और हेमंत सोरेन की नहीं कोई उन मीटिंग आप तो पुराने परिवार के उस सदस्य रहे हैं हमेशा बातचीत होती तो रही है वो कोई मीटिंग अभी तक तो कोई फिक्स होने की बात नहीं है हाँ। न हमारे तरफ से गया है प्रस्ताव न उसके तरफ से आया है प्रस्ताव जल्दी हेमलाल मुर्मू आ सकते हैं जेएमएम में ये जो चर्चा है मतलब कहीं तो आग लगी होगी तब धुआं उठता है 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 चर्चा 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 असल आप आप लोगों लोगों की की तरफ तरफ से है। है। <laughs> तरफ से ज्यादा ज्यादा है है। अच्छा। तो आज... जो 32 का प्रस्ताव पास हुआ उस पर अगर हेमंत सोरेन को कुछ शुभकामना देने हो तो क्या कहेंगे ना इस पर तो हम शुभकामना उनको देंगे हमने बधाई दिया जाकर के उनके चंबर में हाँ चंबर में मिले बधाई दिया आशीर्वाद दिया उनको कि एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम आज आपने कर दिया और कुछ बातचीत हुई ना वो, वो बोल रहे होंगे कि पाकुड़ से आप भाग गए थे खोज रहे थे पाकुड़ में आप ना ना भाग नहीं गए थे जो कि न, वो, हमको भी नोटिस नहीं था कि हमसे मिलना चाह रहे हैं इसलिए हम निकल गए कितने साल बाद आज मुलाकात हुई है सोरेन ना, साहब ना, साल नहीं यार बीच में भी मुलाकात हुई थी पिछले विधानसभा सत्र में भी हम आए थे बरेड की जनता के कौंटे, कांटेक्ट में है लगातार आप क्षेत्र में हैं बने हुए बरेड की जनता तो ये है हैं कांटेक्ट में दिन और रात क्योंकि उनको हमने 25 बरस तक प्यार दिया है ना तो उस प्यार को जो है हेमंत सोरेन आगे बढ़ा पा रहे हैं ठीक से हेमंत सोरेन प्रयास किया है और कर रहा है तब ना वो दो-दो बार जीते हैं क्योंकि आप हेमलाल जी उस इलाके से हैं और अभी जिस तरह से ई और केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई हो रही है पंकज मिश्रा उसी इलाके से अभी गिरफ्तार हुए हैं ईडी बोल रही है कि एक हजार करोड़ से अधिक का खनन हुआ क्या आपको लगता है कि सचमुच में इतना अवैध खनन वहां पर हो रहा था ये तो हमको हवा हवा ही लग रहा है अवैध खनन नहीं हो रहा है हो रहा होगा लेकिन एक हजार करोड़ तो पचीस साल रहे हैं आपको भी कुछ पैसा वगैरह मिलता होगा इतना अगर है। तब तो हमारा भी नाम कहीं ना कहीं आता हमारा भी नाम कहीं न कहीं छपता जरूर न कहा मेरा कोई नाम है आ उतना ही नहीं हम 25 से तीस साल तक राजनीति किए संसदीय राजनीति किसी भी चीज में मेरे मेरा नाम आया कोई भी पैसा का लेन में, में मेरा नाम नहीं आया मतलब ये जितनी बातें निकल कर आ रही है ईडी जो प्रेस रिलीज जारी करके कर रही है आप बोल रहे हैं कि ये कोरी बात है झूठी बात है झूठ नहीं बोल रहे हम हमारा कहना हमारे समझ से मन नहीं लगता कि इतना बड़ा घोटाला हुआ है मतलब आप क्लीन चिट नहीं दे रहे हैं पूरी नहीं ना, हम क्लीन, रहे हैं। हैं। क्लीन हैं। अपना अनुभव हम अनुभव बता रहे और ईडी जो काम कर रही है उनका अपना काम करने का तौर तरीका है वो करेगा कानूनी तरीके से करना है करेगा बिल्कुल ये हेमलाल मुर्मू है जो इस वक्त मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात किए हैं मुख्यमंत्री को इन्होंने बधाई दी है उन्नीस के आधार पर जो स्थानीय नीति का जो विधेयक है वो पास हुआ है उसे लेकर पिछले दिनों ये सरकार आपके द्वार का जो कार्यक्रम था पाकुड़ में उस कार्यक्रम में भी शामिल हुए थे लेकिन हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री से मुलाकात नहीं हो पाई थी आज मुलाकात हुई है विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक सी बी एस ई एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम है हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं डॉट इन लाइक एंड सब्सक्राइब डब्ल्यू 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 डॉट डॉट इन